सियासत में आपको कैसे आना हुआ? सियासत में पढ़ाते पढ़ाते अपना बचपन का शौक पूरा करते 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 वो देखो ना, वो आज मैं बैठी होती हूँ तो वो पीढ़ियाँ मैच होनी होती हैं, कड़ियाँ मैच करते करते आई एंडेड अप इट, आई नेवर नेवर एवर इवन थॉट के मेरी कोई जगह है पॉलिटिक्स में या मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी, बिकॉज जो सियासत नज़र आती है वो इतनी हार्श और इतनी पार्टी बेस है. किसी हम लोग वी आर लेजिस्लेटर्स और हमारा काम लेजिस्लेशन का है, पॉलिसी मेकिंग का है. जब मुझे ये बात आई, पीटीआई ने नारा लगा दिया कि पढ़े लिखे लोग चाहिए, यंगर वो चाहिए, फिर मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई और उस टाइम पे शज़ा फातमा मेरे साथ लम्स में प्रोफेसर थी, ख्वाजा आसिफ की नीस, ओके, एमएनए जो है हमारी साई, सो शी वॉज ऑल्सो टीचिंग एट लम्स, और इस तरह ये एक आई बात, तो बात से बात निकली, तो मुझे लम्स में बहुत लोगों ने कहा कि ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आप अभी आपका दायरा ऑफ इन्फ्लुएंस अभी चंद स्टूडेंट्स हैं, जब आप पॉलिटिक्स में आएंगी तो आपका स्कोप बढ़ जाएगा, आप पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन जाएंगे, आप इतना इम्पैक्टफुल, इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है. सो दैट मेड मी थिंक, एंड देन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये था कि मैंने आके आई वॉन्ट टू गिव अ सॉफ्टर इमेज ऑफ पॉलिटिक्स, और मैं बहुत लोगों ने मुझे कहा भी 10 साल हो गए कि आप करंट अफेयर्स पे नहीं आती, स्क्रीन टाइम नहीं है, पार्टी ये देखती है, तो मैं आई स्टिक बाय माय प्रिंसिपल दैट आई एम हियर टू वर्क ऑन द पॉलिसी मेकिंग टू मेक श्योर 60%+ ऑफ आवर नेशन कंप्राइजेज ऑफ यूथ. ये बच्चों को हमें सियासत में लाना है और सियासत का एक अच्छा पहलू दिखा के लाना है. आई टेल यू माई हस्बैंड, तब मेरी फटाफट मंगनी भी होगी ना, मैंने आपको बताया उसके फौरन बाद मैं सियासत में आ गई. ओके, तो मेरी शादी अभी नहीं हुई भी थी. अच्छा, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि ये क्या, मेरे साथ तो ये थोड़ा सा धोखा, मेरे साथ तो टीचर का रिश्ता है ना, तो टीचर के साथ किया था, प्रोफेसर से मेरी हाँ हुई और शादी मेरी सियासतदान से हुई है. बट इवन इमरान वॉज शॉक्ड, ही सेड कि मुझे पता ही नहीं था कि इतना पढ़ा लिखा काम भी होता है. और फिर शहबाज साहब के साथ आई वॉज ऑन 11 बोर्ड्स, फिर वेस्ट मैनेजमेंट से लेके लाइब्रेरी से लेके एग्जामिनेशन कमीशन से लेके पीएफ, तो हर चीज में उन्होंने मुझे, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो बहुत हेफ्टी पोर्टफोलियो एजुकेशन बेस्ड, स्टैंडिंग कमिटी फॉर एजुकेशन पे थी, तो जब मैंने काम करना शुरू किया फायदा, आई वाज आल्सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि मुझे भी नहीं पता था कि इतना पढ़ा लिखा काम भी सियासत में होता है, क्योंकि उम्मीद से भी मैंने इंटरेक्शन रखा अपना यूथ के साथ, मैं गेस्ट स्पीकर रहती हूँ, जाती हूँ अभी भी सिविल सर्विसेज एकेडमी के अंदर, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स बन, जहाँ से फ्रेश ब्रेड, क्योंकि देखो पॉलिसी मेकिंग तो ये गठजोड़ है ना, लेजिस्लेटर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स का, बिल्कुल दे आर द एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड, और उनके साथ आप करोगे. तो मैं हर बारी, मैं, मेरी ख्वाहिश है कि जो हमारी हमारी यूथ है, एजुकेटेड बच्चे हैं, दे नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस.